आज हम आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। हाँ, निम्न बिंदुओं के आधार पर हम आदिकालीन सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है सिद्ध साहित्य, तीसरा है प्रमुख सिद्धों की रचनाएं, चौथा है सिद्ध साहित्य की विशेषताएं और चौथा है उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको मालूम है कि हिंदी साहित्य को जो काल विभाजन है उसके अनुसार चार भागों में विभाजित किया गया है, आदिकाल या वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल या फिर गद्य काल। आज हम आदिकाल साहित्य के अंतर्गत सिद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहले प्रस्तावना। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। आदिकालीन काव्य में चार प्रकार की साहित्य रचना प्रमुख रूप से हुई है। पहला है धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य और गद्य साहित्य। मतलब आदिकाल में मुख्य रूप से चार प्रकार की रचनाएं हुई हैं, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, रासो साहित्य और गद्य साहित्य। हिंदी साहित्य के आरंभिक समय की रचनाएं साहित्य के विकास के अध्ययन के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब शुरुआत में जो रचनाएं हुई हैं हिंदी साहित्य का, यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के छात्र हैं, तब आपको शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा। परंतु अधिकांश आदिकालीन ग्रंथों का उपलब्ध न होना, प्रामाणिकता में संदिग्धता, काल निर्धारण में सामंजस्य न बैठना आदि कठिनाइयों के साथ साहित्य के विद्वानों आचार्यों द्वारा व्यवस्थित धारणा बना लेना बहुत ही कुशलता का कार्य है। क्योंकि आदिकालीन जो साहित्य है, बहुत सारी जो रचनाएं मिली हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है ना, उनका काल निर्धारण करना बहुत ही कठिन है। इसके बावजूद भी हमारे देश के जो विद्वान हैं उन्होंने इसका अथक परिश्रम किया और प्रयास किया और वे उसमें सफल भी रहे। हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसे वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग, बीज वपन काल, वीर काल आदि अनेक संज्ञाओं से विभूषित किया गया है, हिंदी का सबसे विवादग्रस्त काल रहा है। आदिकाल या वीरगाथा काल, हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है या वीरगाथा काल है, यह सबसे ज्यादा विवादग्रस्त रहा है। इस काल में एक तरफ संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं संस्कृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, तो दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि उत्पन्न हुए जो अत्यंत सरल एवं सहज भाषा में अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मार्मिक भाव प्रकट कर रहे थे। इस समय संस्कृत के भी बहुत सारे विद्वान लेखक और कवि हुए और उसी प्रकार अपभ्रंश के भी बहुत सारे कवि उत्पन्न हुए और वे अपने अपने क्षेत्र में, उन्हें महारत हासिल था, बहुत ही प्रतिभावान थे और दोनों ही प्रकार की रचनाएं वहां पर हो रही थी। संस्कृत में भी रचनाएं हो रही थी और अपभ्रंश में भी रचनाएं हो रही थी। वस्तुतः इस काल में जहां एक ओर सिद्धनाथ और जैन साहित्य का निर्माण हुआ जिसे धर्माश्रय प्राप्त होने के कारण वह फूलता फलता रहा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान के चारण कवियों द्वारा चरित काव्य भी रचे गए जिन्हें राजाश्रय मिलने के कारण वह प्रशंसा का विषय बना। मतलब इस समय जो धार्मिक जो साहित्य है वह है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। इन्हें धर्म का आश्रय प्राप्त हुआ तो यह भी फलते फूलते रहे। साथ ही जो राजस्थान के जो राजा थे उनके यहाँ चारण कवि हुआ करते थे जो उनका प्रशस्ति गान करते थे और उनके चरित्र का वर्णन करते थे, तो उनको राजा का आश्रय प्राप्त होता था, इसलिए वे भी फलते फूलते थे। मतलब जो धार्मिक काव्य थे उन्हें धर्माश्रय प्राप्त हुआ और जो राजाओं से संबंधित चरित काव्य थे उन्हें राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ। परंतु इस काल में इन दोनों काव्य धाराओं से भिन्न लोक साहित्य की भी रचना हुई है। इन दोनों के अलावा इस समय लोक साहित्य और गद्य साहित्य की भी रचना हुई थी, परंतु लोक साहित्य लोकाश्रित होने से सुरक्षित न रह सका, है ना, लोगों के बीच में वो सुरक्षित नहीं रह पाया। अनेक कारणों से यह साहित्य लुप्त सा हो गया। इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लोक साहित्य भी लोक प्रचलित रहा है। मतलब जो लोक साहित्य है वह अब तो उपलब्ध नहीं है लेकिन उस समय प्रचलित रहा होगा, ऐसा मानना है विद्वानों का, और एक प्रकार है गद्य साहित्य। तो आइए हम देखते हैं संक्षेप में धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या साहित्य आएंगे। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इन्हें बोलते हैं आदिकालीन धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आते हैं,
ढोला मारूरा दुहा, वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, खुसरो का काव्य, विद्यापति पदावली। इसके बाद रासो साहित्य में क्या क्या आता है? रासो साहित्य या वीर काव्य में खुमाण रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो। और गद्य साहित्य में आता है राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। इसका पहले भी वर्णन किया गया है पीछे, यहाँ पर लौकिक साहित्य के अंतर्गत भी आते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये क्या गद्य साहित्य है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी यहाँ पर स्थान दे दिया है, क्योंकि ये गद्य है। राउल वेल क्या है? गद्य है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण भी गद्य है और वर्ण रत्नाकर भी गद्य है, यह आपको पता होना चाहिए। अब वह था, अब हम वास्तव में हमारा सिद्ध साहित्य अब शुरू होता है कि सिद्ध साहित्य क्या है। अभी तक हम पृष्ठभूमि देख रहे थे कि आदि काल में किस प्रकार की रचनाएं की जा रही थी, और अभी जो हिंदी साहित्य है उसे समझने के लिए आपको उसकी पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है कि हम आज इस उन्नत अवस्था में कैसे पहुंचे। इसके पहले मेरे पिछले वीडियो आप देख चुके होंगे कि आदिकाल की परिस्थितियां कैसी थी, आदिकाल की युगीन परिस्थितियां कैसी थी, और अगर नहीं देखा है आपने तो यहाँ पर मैंने उसका लिंक भी दे दिया है, उस वीडियो को आप जरूर देखें कि आदिकाल की युगीन परिस्थितियां कैसी थी, है ना। धार्मिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, ये सामाजिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, ये सब कैसी थी, आप वहां पर जाकर जरूर देखें। आइए हम शुरू करते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध परंपरा का जन्म बौद्ध धर्म की घोर विकृति के फलस्वरूप माना जाता है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। वास्तव में जो वज्रयान जो शाखा थी, है ना, जो बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा थी, तो सिद्धों का संबंध उसी वज्रयान शाखा से है। तो बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने आम बोलचाल की भाषा में जो साहित्य लिखा उसे ही हम कहते हैं सिद्ध साहित्य। बुद्ध का निर्वाण 483 ईसा पूर्व में हो गया था, है ना। गौतम बुद्ध का निर्वाण या फिर उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। उनके निर्वाण के लगभग 45 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार हुआ, मतलब उनकी मृत्यु के बाद भी लगभग 45 वर्षों तक उनके सिद्धांतों का बहुत प्रचार हुआ। इस धर्म की विजय दुंदुभी देश तथा विदेशों में बजती रही, मतलब उनकी मृत्यु के पश्चात भी 45 वर्षों तक देश विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहा। बौद्ध धर्म का उदय वैदिक कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, दोनों ही वैदिक कर्मकांड की जटिलता और हिंसा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप इनका जन्म हुआ था। आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म के विरोध में या फिर वैदिक कर्मकांड के विरोध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप। यह धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। बौद्ध धर्म की मूल भावना क्या थी? सहानुभूति और सदाचार। परंतु आगे चलकर इस धर्म के अनुयायियों में कतिपय सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर मतभेद आरंभ हो गया। अब उनके जो अनुयायी थे बाद में उनमें एक दूसरे के प्रति वो विरोध करने लगे, मतलब यह दो भागों में विभाजित होने की प्रक्रिया में पहुंच गया बौद्ध धर्म। पहला था सैद्धांतिक और दूसरा था साधनात्मक, मतलब कुछ लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को महत्व देना चाहते थे, अधिक महत्व, और कुछ लोग ऐसे थे जो साधना से संबंधित जो बातें थी उनको ज्यादा महत्व देना चाह रहे थे। तो ये पहला हो गया सैद्धांतिक और दूसरा हो गया साधनात्मक। तो इन दोनों आधे आधे दो भागों में बढ़ गए, तो इनमें मतभेद प्रारंभ हो गया। अब ईसा की प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। इसीलिए ईसा की पहली शताब्दी में क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, महायान तथा हीनयान। महायान वाले क्या बोलते थे? महायान में व्यवहारिकता का प्राधान्य रहा, व्यवहारिक थे, मतलब साधना पक्ष पर ज्यादा जोर दे रहे थे, व्यवहारिक पक्ष पर ज्यादा जोर देने वाले महायान कहलाने लगे, जबकि हीनयान में सिद्धांत पक्ष का प्राधान्य रहा। लेकिन जो हीनयान थे वे बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले थे, लेकिन जो इनके महायानी थे ये लोक निर्माण के समर्थक थे और हीनयानी व्यक्तिगत साधना के समर्थक थे। तो जो महायान वाले वो क्या थे, वो सोचते थे कि सभी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होना चाहिए, सभी व्यक्ति को निर्माण प्राप्त होना चाहिए। और हीनयानी क्या, वो हीनयान वाले कहते थे वे सिद्धांतों के समर्थक थे, वे बोलते थे
कि जो मोक्ष का मामला है वह व्यक्तिगत मामला है, मतलब यदि व्यक्ति चाहे तो उनके सिद्धांतों का पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है। महायान वाले अपने सिद्धांतों के माध्यम से ऊंचे नीचे छोटे बड़े गृहस्थी सन्यासी सबको निर्वाण तक पहुंचाने का दावा करते थे, है ना। महायान का जो दरवाजा था वो सबके लिए खुला हुआ था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे छोटे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति हो चाहे गृहस्थी हो चाहे सन्यासी हो, है ना, ये सबके लिए उनका दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन हीनयान केवल विरक्त और सन्यासियों को आश्रय देता था। हीनयान बहुत ही जटिल था, बहुत ही कठिन था, और हीनयान में केवल जो घर के घर को जो छोड़ के चले गए हैं, जो सन्यासी हैं, जो जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया है, समाज को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है, उन्हीं को और सन्यासियों को आश्रय देता था। इनका जीवन सरल था, किंतु महायानियों ने मठों और विहारों के निर्माण पर जोर दिया। मतलब हीनयान तो बहुत ही सरल सहज था, लेकिन जो महायान वाले थे, महायान वालों ने मठों और विहारों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, है ना, मतलब मंदिर जैसे होते हैं इनके मठ और विहार। उसने स्त्रियों एवं गृहस्थों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। महायान ने क्या किया, स्त्रियों के लिए भी दरवाजा उनका खुला हुआ था, और जो गृहस्थ थे, ऐसा जरूरी नहीं था कि आप सन्यासी हो तभी आप महायान में आप भाग ले सकते हो, उसका उसका सन्यासी वो बन सकते हो, अनुयायी। इसी कारण अधिकाधिक लोग उसकी ओर आकृष्ट होने लगे, मतलब महायान की ओर ज्यादा लोग आकृष्ट होने लगे। स्वर्ण और सुंदरी के योग से उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया। अब जब मठ बनने लगे, विहार बनने लगे, तो वहां उसमें पैसा भी आने लगा, है ना, ऊपर चढ़ावा भी आता था, पैसा भी आता था, और महिलाओं के लिए भी स्थान वहां पे खुला हुआ था, तो महिलाएं भी वहां पर आती थी। तो जब पैसा भी आने लगा और महिलाएं भी आने लगी, तो उसमें भ्रष्टाचार का प्रवेश हो गया, है ना, स्वर्ण और सुंदरी के कारण। जादू टोना और मंत्राचार बढ़ने लगा, है ना, तो महायान में क्या, जादू टोना और मंत्राचार भी बढ़ने लगा। मंत्रों के इस महत्व एवं प्रचार के कारण महायान मंत्रयान बन गया। मंत्रों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा इसमें, महायान में मंत्रों का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, इसलिए बाद में महायान किस में परिवर्तित हो गया, मंत्रयान में परिवर्तित हो गया, महायान से मंत्रयान बन गया। 7वीं शताब्दी के आसपास मंत्रयान से एक अन्य उपयान निकला जिसे वज्रयान या सहजयान कहते हैं। महायान से निकला मंत्रयान और मंत्रयान से निकला वज्रयान, वज्रयान को सहजयान भी कहा जाते हैं। कंचन कामिनी, कंचन मतलब सोना या पैसा और कामिनी मतलब महिलाएं स्त्रियां के योग से मंत्रयान की लोकप्रियता बढ़ चुकी थी और उसमें व्यभिचार भी बढ़ चुका था। पैसा भी आने लगा और स्त्रियां भी आने लगी, तो उसमें व्यभिचार भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। धीरे धीरे कामपरक भावनाओं को सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने की चेष्टा की गई। अब उन्होंने क्या प्रयास किया, जो कामपरक भावनाएं थी, है ना, जो उनकी लैंगिक चेष्टाएं थी, जो कामपरक भावनाएं थी, जो सहवास के सुख को उन्होंने सैद्धांतिक और दार्शनिक रूप देने का प्रयास किया। वज्रयान पंच मकारों में बंध गया। पंच मकार किसको बोलते हैं, वज्रयान में पंच मकार की महत्ता प्रतिष्ठित हो गई। पंच मकार के अंतर्गत आते हैं मद्य, मद्य मतलब शराब, मांस मतलब जीव हत्या करके उसको खाना, मीन मतलब मछली, मुद्रा मतलब पैसा, मैथुन मतलब सहवास, ये वज्रयान के मूल आधार बन गए। इस प्रकार वज्रयान में यौन संबंधों की स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया, मतलब धर्म के नाम पर वज्रयान ने यौन स्वच्छंदता शारीरिक संबंधों को बढ़ावा दिया। समाज पर इसका दूषित प्रभाव पड़ा। इस तरह बौद्ध धर्म महायान मंत्रयान वज्रयान आदि में विभक्त होता हुआ क्रमशः पतनोन्मुख होता गया। समाज पर इसका बहुत ही दूषित प्रभाव पड़ा। पहले महायान बना, फिर मंत्रयान बना, फिर वज्रयान बना, सहजयान बना, इस तरह धीरे धीरे वह पतन उन्मुख पतनोन्मुख होने लगा, उसका पतन होने लगा। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहते थे। तो ये जो वज्रयानी थे इन्हें क्या कहा जाता था, सिद्ध, मतलब सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है। धर्म की यह विकृत अवस्था थी, जो वज्रयान है यह बौद्ध धर्म की विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई। जो धर्म के वास्तविक आदर्श थे, जो बौद्ध धर्म के वास्तविक आदर्श थे, जिनका पालन हीनयान वाले करते थे, उनके स्थान पर किसने स्थान ले लिया, आचार विहीनता, कोई मापदंड नहीं रह गए नैतिक मापदंड, चमत्कार प्रदर्शन प्रमुख हो गया और भोग विलास को प्रमुखता प्रदान की गई, की जाने लगी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। सिद्धों का प्रभाव इस वर्ग पर बहुत अधिक था जो अशिक्षित थे, वे और जो निम्न वर्ग से संबंध रखते थे, वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे, है ना। वे तंत्र मंत्र सिखाते थे, जादू टोना करते थे, चमत्कार दिखाते थे,
इस तरह धीरे धीरे सामान्य जनता उनके प्रभाव में आने लगी। दूसरा क्या है, उनका दरवाजा जो शूद्र हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो स्त्रियां हैं, जो गृहस्थ हैं, सबके लिए इनका दरवाजा खुला हुआ था, इसीलिए यह धीरे धीरे लोगों के बीच में लोकप्रिय भी हो रहा था। और मांस और मदिरा का भी यहाँ पर सेवन किया जाता था। तंत्रों मंत्रों के द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाए, तो यह सिद्ध कहलाने लगे, तंत्र मंत्र के द्वारा सिद्धि करते थे। ये सिद्ध वज्रयानी अथवा सहजयानी थे, है ना, ये सिद्ध बौद्ध धर्म के वज्रयान अथवा सहजयान से संबंध रखते थे। वज्रयानी सिद्धों ने अपने मत प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा वह आदिकालीन सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो इन वज्रयानी सिद्धों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य लिखा उसे ही हम कहते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, प्राय परीक्षा में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हाँ ना। तो सिद्धों की जो संख्या है वो कितनी मानी जाती है, 84, इसको याद कर लीजिए आप, सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, जिनमें से 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है, है ना, सभी 84 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध नहीं होती है, 23 सिद्धों की रचनाएं उपलब्ध होती है। प्रत्येक सिद्ध के नाम के पीछे पास शब्द जुड़ा होता है, यह एक आदर सूचक शब्द है, मतलब उनको सम्मान देने के लिए पा करके शब्द जोड़ते हैं, जैसे सरहप्पा, ये पा है, सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और उनका जो दोहा कोश है यह ग्रंथ बहुत ही विख्यात है। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है और इनका जो ग्रंथ है दोहा कोश यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत ही विख्यात ग्रंथ है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सिद्ध थे शबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, कन्हापा, कुक्कुरीपा आदि सिद्ध कवियों ने भी आदिकालीन सिद्ध साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दिया है। ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्ध कवि हैं जिनकी रचनाओं का भी हम अभी आगे आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन सी रचना लिखी है, तो यह सबको आपको याद करना पड़ेगा परीक्षा के लिए, परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। यह है कि स्टैंडर्ड आंसर है, मॉडल आंसर, इसको आप किसी भी परीक्षा में लिखकर बहुत ही अच्छा अंक ला सकते हैं, चाहे आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे स्कूल या कॉलेजेस की परीक्षा हो। इन सिद्धों ने गृहस्थ जीवन पर बल दिया है, मतलब गृहस्थों के लिए भी इनका दरवाजा खुला हुआ था, तो उन्होंने गृहस्थ जीवन पर बल दिया। जीवन के स्वाभाविक भोगों में प्रवृत्ति, स्वाभाविक भोग में प्रवृत्ति के कारण सिद्ध साहित्य में भोग में निर्माण की भावना मिलती है, मतलब जिंदगी में जितने प्रकार की खुशियां हैं, जितने प्रकार के भोग विलास हैं, उनको यदि आप भोग लेते हो तो वही आपके लिए निर्माण है। जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्तियों में विश्वास के कारण इन सिद्धों का सिद्धांत पक्ष सहज मार्ग कहलाया, मतलब आपको यहाँ वज्रयान में दीक्षित होने के लिए, वज्रयान का अनुपालन करने के लिए, आपको उसका सन्यासी बनने के लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। जीवन की जो स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, जीवन की जो स्वाभाविक जरूरतें हैं, जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, उनको पूरा करते हुए भी हम सहज मार्ग से हम मोक्ष या निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, यही इनका मुख्य सिद्धांत था। सिद्धों का प्रभाव प्राय अशिक्षित और हीन जाति पर अधिक था, इनका प्रभाव इस वर्ग पर बहुत ज्यादा था, अतः उनकी साधना के लिए उपलब्ध कापाली, डोम्बी आदि नायिकाएं भी निम्न जाति की थी, क्योंकि ये अपनी साधना में मैथुन का भी प्रयोग करते थे, इसलिए इनको नायिकाओं की भी जरूरत पड़ती है, महिलाओं की, तो एक कापाली, डोम्बी आदि जो इनकी नायिकाएं थी वे भी निम्न जाति की थी, क्योंकि इनके लिए आसानी से सुलभ थी, क्योंकि निम्न जाति की महिलाएं इन्हें बहुत ही आसानी से सुलभ हो जाती थी, उपलब्ध हो जाती थी। सिद्धों ने सरल तथा सहज जीवन पर जोर दिया है, ना, सहज सरल जीवन पर इन्होंने जोर दिया। समस्त बाह्य अनुष्ठानों एवं षट दर्शन का विरोध किया है, इन्होंने जितनी भी वहां पर जो पाखंड था धार्मिक, है ना, और जो विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान यज्ञ हुआ करते थे उसका इन्होंने विरोध किया, गुरु कृपा की कामना की है, इन्होंने गुरु को अत्यंत महत्व दिया है, कबीरदास जी पर भी इनका प्रभाव पड़ा है, इसीलिए जो संत कवि हैं वो लोग भी गुरु कृपा को बहुत ही महत्व देते हैं। पुस्तकीय ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार में संदेह किया है, इनका कहना था कि कोई किताबों को पढ़कर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता। शरीर को समस्त साधनाओं का केंद्र तथा पवित्र तीर्थ बताया, उन्होंने कहा कि जो शरीर है, शरीर में रहकर अपने शरीर के माध्यम से ही सभी प्रकार की साधनाएं की जा सकती है और हमारा जो शरीर है वह पवित्र तीर्थ के समान है। आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास किया गया है, मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, इस पर बात हो रही है, है ना, मतलब इनका जो दर्शन है, सिद्ध साहित्य का जो दर्शन है, इसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। शरीर को समस्त आत्मा परमात्मा की एकता में विश्वास व्यक्त किया गया है, सामरस्य भाव तथा महासुख की चर्चा की है,
और पाप पुण्य दोनों को बंधन का कारण बताया है। सामरस्य भाव मतलब दुख सुख को, लाभ हानि सबको एक जैसा देखना, मतलब जीवन में जो भी परिस्थितियां आए उसको स्वीकार करना, इसको बोलते हैं सामरस्य भाव, एक समान भाव से देखना सभी चीजों। और महासुख, महासुख से आयन का तात्पर्य सहवाग से मिलने वाला जो सुख है, जिसे ब्रह्मानंद कहा गया है ना, उसी प्रकार के सुख की इन्होंने चर्चा की है और पाप और पुण्य दोनों को बंधन का कारण बताया है। सिद्ध साहित्य का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर रामकुमार वर्मा लिखते हैं, सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। मतलब सिद्धों का जो साहित्य है, इससे हमको यह पता चलता है कि हमारे जो आदिकालीन साहित्य था, जो आदि रूप मतलब हमारे जो प्राचीन साहित्य था वह किस प्रकार का था, जो आदिकालीन साहित्य था वास्तव में वह किस प्रकार था, वह प्रामाणिक ढंग से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो चारणकालीन साहित्य तो केवल मात्र तत्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है। चारण काल की जो रचनाएं हैं, जो चारण लोग जो लिखे थे, जो सामंत सामंतों के पास, राजाओं के पास जो चारण कवि हुआ करते थे, वो जो लिखते थे तो वो केवल एक पक्ष को दिखाते थे, वो खाली उनके राजनीतिक जीवन को दिखाते थे, उनके युद्धों को दिखाते थे। तो यह सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का स्पष्ट रूप से रूप है। लेकिन जो सिद्ध साहित्य है वह क्या बताता था कि धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी, आदिकाल की सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, उस समय किस प्रकार के विचारधारा प्रचलित थे, इसके बारे में हमें सिद्ध साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका अत्यंत महत्व है। संक्षेप में, जो जनता नरेशों के स्वेच्छाचारिता, पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, उसके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया। मतलब उस समय निरंतर युद्ध हुआ करते थे, तो राजा लोग पराजित भी हुआ करते थे, राजा जब पराजित होता था तो उसकी जनता भी अपने पराजय को महसूस करती थी, दुखी होती थी, तो निराशावाद के गर्त में चली जाती थी। ऐसी परिस्थितियों में जो सिद्ध साहित्य है उसने जनता में आशा का संचार किया, उम्मीदों का संचार किया, और उनकी वाणी ने उनमें संजीवनी भरने का कार्य किया, उन्हें नवजीवन प्रदान किया। अब हम देखते हैं प्रमुख सिद्धों की रचनाएं। प्रमुख सिद्ध कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य है ना जन भाषा में लिखा है, जन भाषा में जो लिखा है उन्होंने, इसका मैं सुधार, ये गलती हो गई यहां पर, जन। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, जन भाषा में लिखा मतलब उस समय जो आम लोगों के बीच जो प्रचलित भाषा थी उसमें उन्होंने लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। तो यह जो साहित्य है वह क्या है, सिद्ध साहित्य कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, सिद्धों की संख्या है 84, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है सिद्धों की संख्या कितनी है, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिद्धों की संख्या है 84 या 84। तो जिनमें सिद्ध सरहपा से यह साहित्य आरंभ होता है ना, सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है जिन्होंने लिखना शुरू किया। इन सिद्धों में सरहपा, शबरपा है ना, ये सरहपा है, शबरपा, लुईपा, डोम्भीपा, कन्हापा, कुकुरीपा हिंदी के मुख्य सिद्ध कवि हैं। यहाँ संक्षेप में इनके व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय देकर हिंदी साहित्य के विकास में इनकी भूमिका को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। पहला है सरहपा, ये सरहपाद सरोज ब्रज, इनको सरहपाद कहा जाता था, सरोज ब्रज भी इन्हीं को कहा जाता था, राहुल भद्र भी इन्हीं को कहा जाता था, आदि कई नामों से प्रख्यात हैं। जाति से ये ब्राह्मण थे, सॉरी, इनके रचना काल के विषय में सभी विद्वान एकमत नहीं है। राहुल जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, राहुल सांकृत्यायन जी ने इनका समय 769 ईस्वी माना है, जिसे अधिकांश विद्वान सहमत हैं, इनका रचनाकाल है। इनके द्वारा रचित 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से दोहा कोश हिंदी की रचनाओं में प्रसिद्ध है। इन्होंने कुल लगभग 32 ग्रंथ लिखे हैं जिनमें दोहा कोश अत्यंत प्रसिद्ध है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनका दर्शन क्या था, इन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। ये सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर ले जाते हैं। सहज भोग मार्ग मतलब हम अपने आम जिंदगी में जो सुख भोगते हैं है ना, जो भोग करते हैं, तो बोलते हैं कि यहां से वे महासुख की ओर कैसे प्रस्थान करें, सुख से महासुख की ओर कैसे आगे जाए। इनकी भाषा सरल तथा गेय है एवं काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है। बहुत ही सहज, सरल और गेय भाषा में इन्होंने लिखा है, इनके काव्य में भावों का सहज प्रवाह मिलता है।
इनकी भाषा तो हिंदी ही है, केवल उस पर यत्र तत्र अपभ्रंश का प्रभाव है। इन्होंने हिंदी तो लिखा लेकिन उस हिंदी पर अपभ्रंश भाषा का प्रभाव है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरहपा के काव्य में द्रष्टव्य। मतलब संत काव्य में, हिंदी साहित्य का जो संत काव्य है उसमें भाव और शिल्प का जो उत्कर्ष दिखाई देता है वह सरहपा के काव्य में जन्म लेता है। सरहपा के काव्य में जो भाव और शिल्प बीज रूप में था तो वहां पर जाकर वह वट वृक्ष बन जाता है ना। सरहपा के काव्य में जो भाव और शिल्प बीज रूप में विद्यमान है वह संत काव्य में जाकर वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उत्कर्ष को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद शबरपा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा आपसे, पुनः अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही स्तरीय मैं ऐसी सामग्री, पाठ्य सामग्री आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जो किसी भी प्रकार की परीक्षा में आपको बहुत ही सहायता पहुंचाएगी। विशेष रूप से यदि आप अपनी अवधारणाओं को स्पष्ट करना चाह रहे हैं किसी परीक्षा के लिए, आप बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शबरपा, दूसरे जो महत्वपूर्ण कवि हैं सिद्ध साहित्य के वे हैं शबरपा। तो इनका जन्म क्षत्रिय कुल में 780 ईस्वी में हुआ था। सरहपा से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। शबरों का सा जीवन व्यतीत करने के कारण ये शबरपा कहे जाने लगे। मतलब जो शबर जनजाति है ना, जैसे जो शबरी शबरी जैसे भगवान राम को जिन्होंने बेर खिलाया था शबरी ने, है ना, वैसे ही शबरों का सा ये जीवन व्यतीत करते थे आदिवासियों जैसा, तो इन्हें शबरपा कहा जाने लगा। चर्यापद, इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है चर्यापद, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब इनका दर्शन क्या है, ये मोह माया का विरोध करके सहज जीवन पर बल देते हैं और उसी को महासुख की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। मतलब जितने भी सिद्ध कवि हैं उन्होंने सहज जीवन पर बल दिया है। माया मोह को त्याग दो, सुख दुख को छोड़ दो, ज्यादा सोचो मत उसके बारे में और अपने सामान्य सा जीवन जीते रहो और सहज सरल जीवन जीते हुए आप महासुख को प्राप्त कर लोगे, निर्वाण को प्राप्त कर लोगे, ऐसा इनका मानना था। इसके बाद लुईपा, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध कवि है। ये राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में उत्पन्न हुए थे। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया, ये शबरपा के शिष्य थे। इनकी साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन राजा, यहाँ राजा लिखना छूट गया है, आप जोड़ लीजिएगा राजा, तत्कालीन राजा तथा मंत्री इनके शिष्य हो गए थे। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ऊंचा स्थान क्या है 84 सिद्धों में, तो लुईपा का है। इनकी कविता में रहस्य भावना की प्रधानता है, जैसे कबीर में जो रहस्य की भावना पाई जाती है वैसे इनकी रचनाओं में भी रहस्य की भावना पाई जाती है। इसके बाद डोम्भिपा, मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईसा पूर्व 840 ईस्वी के लगभग इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी, ईसा पूर्व बोलते हैं बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, और ईस्वी से हमको बोलते हैं एडी आफ्टर द डेथ ऑफ ईसा। तो ये दोनों चीजों को आप एक बार, ये बिफोर क्राइस्ट और एडी, तो ये होता ईसा पूर्व और ये होता ईस्वी। बीसी मतलब होता है ईसा पूर्व और एडी मतलब होता है ईस्वी, इसको जरा ध्यान रखिएगा आप पढ़ते समय, आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए पढ़ते पढ़ते। मेरे वीडियोस भले ही बहुत लेंदी होते हैं लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं पूरी आपकी अवधारणाओं को स्पष्ट कर दूं। अगर कोई छात्र शुरू से आखिरी तक देखता है तो उसको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, वह अवधारणा से भली भांति परिचित हो जाएगा। तो अब ये मजबूरी भी है कि मुझे वीडियो बहुत लंबे लंबे बनाने पड़ते हैं। डोम्भिपा, विरूपा से इन्होंने दीक्षा ली, इनके गुरु थे विरूपा नाम के जो सिद्ध थे वे इनके गुरु थे। इनके रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें डोम्भी गीतिका, योगचर्या, अक्षर दीकोपदेश आदि विशेष प्रसिद्ध है। ये डोम्भिका के लिखे हुए उनकी रचनाएं हैं। इसके बाद कन्हापा नाम के एक बहुत बड़े सिद्ध कवि हुए हैं। इनका जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में हुआ था। बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे। जालंधरपा, एक और सिद्ध जालंधरपा है, इनको इन्होंने अपना गुरु बनाया था। कई सिद्धों ने इनकी शिष्यता स्वीकार की। इनके लिखे 74 ग्रंथ बताए जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं 74 ग्रंथ, जिनमें अधिकांश दार्शनिक विषयों पर है ना, दार्शनिक विषयों पर इन्होंने लिखा है, दर्शन पर लिखा है। रहस्यात्मक भावनाओं से परिपूर्ण गीतों की रचना करके ये हिंदी के कवियों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए हैं। इन्होंने शास्त्रीय रूढ़ियों का खंडन किया।
रूढ़ियों का खंडन तो प्रायः सभी सिद्ध कवियों ने किया है, तो ये दार्शनिक भावनाओं से ओतप्रोत कविताएं इन्होंने रची है। इसके बाद है कुक्कुरिपा। इनका जन्म कपिल वस्तु के एक ब्राह्मण वंश में माना जाता है। इनके जन्म काल का पता नहीं चल सका है। चरपटिया इनके गुरु थे, चरपटिया इनके गुरु थे। इनके द्वारा रचित 16 ग्रंथ माने जाते हैं। ये भी सहज जीवन के समर्थक थे। अब हमने हमने देखा कि कौन कौन से सिद्ध कवि थे, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, प्रमुख सिद्ध कवि हमने देखा। अब अंत में हम देखेंगे सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है। तो आपका पूरा सिद्ध साहित्य इसमें कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी परीक्षा में आपको लिखना है सिद्ध साहित्य के विषय में, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिए, सिद्ध साहित्य आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, कुछ भी नहीं छूटेगा और बहुत ही अच्छे अंक आपको मिल जाएंगे। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या क्या है? सिद्ध साहित्य अपनी प्रवृत्ति और प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है ना, बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय साहित्य है। इन सिद्धों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दिग्दर्शन करने वाले साधना परक साहित्य का निर्माण किया है। साधना परक साहित्य इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वज्रयान से संबंधित है, और वज्रयान में तंत्र मंत्र साधना पंचमकार इन सबको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो अपने वज्रयान संप्रदाय का, अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी, तो उस सिद्ध साहित्य की क्या विशेषताएं हैं अब हम देखेंगे। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास। सिद्ध कवियों ने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया है, मतलब हमारा जीवन सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए। अन्य धर्म के अनुयायियों ने जीवन पर कई प्रतिबंध लगाकर जीवन को कृत्रिम बनाया, जैसे जैन धर्म है या फिर इनका जो हीनयान है, इन्होंने बहुत सारे प्रतिबंध लगाया, बहुत सारे नियम कानून लगा दिए लोगों पर, उनके जीवन को बहुत ही कृत्रिम बना दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत ही सहज और सरल बना दिया। लेकिन विशेषकर कनक कामिनी को साधना मार्ग की बाधाएं मानी थी। अन्य धर्मावलंबी जो थे, जैसे जैन धर्म है या फिर आपका महाहीनयान है, इन्होंने कनक कामिनी, कनक मतलब सोना या रुपया पैसा, और कामिनी मतलब महिलाएं स्त्रियां, इनको साधना के मार्ग की बाधाएं मानी थी। मतलब पैसा आपके मन में मोह पैदा करता है, जो स्त्रियां हैं वह आपके मन में मोह लोभ लालच पैदा करती हैं, इसलिए ये साधना के मार्ग में बाधक हैं। लेकिन इन्होंने क्या है, उनको पर्याप्त महत्व दिया। विभिन्न कर्मकांडों से साधना मार्ग को भी कृत्रिम बनाया था। जो अन्य धर्म है उन्होंने बहुत सारे कर्मकांड आरोपित कर दिए थे समाज पर, और वह उसको बहुत ही जटिल बना दिए थे, कृत्रिम बना दिए थे। सिद्धों ने क्या किया, इन सभी कृत्रिमताओं का विरोध कर जीवन की सहजता और स्वाभाविकता पर बल दिया। जितने भी बाह्य आडंबर थे, जितने भी कर्मकांड थे, उसका इन्होंने विरोध किया और जीवन की सहजता स्वाभाविकता पर बल दिया। उनके मतानुसार सहज सुख से ही महासुख की प्राप्ति होती है, इसलिए सिद्धों ने सहज मार्ग का प्रचार किया। उनका क्या था, जीवन की छोटी छोटी खुशियां ही हमारे जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आती हैं। मतलब हमको किसी बहुत बड़ी खुशी का इंतजार नहीं करना है, जिंदगी के हर क्षण को उसकी परिपूर्णता के साथ जी लेना है, बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से। मतलब जो छोटे छोटे सुख हैं वे ही बाद में मिलकर महासुख का निर्माण करते हैं, और यह महासुख ही निर्वाण की प्राप्ति है। गुरु महिमा का प्रतिपादन। सिद्धों ने गुरु महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। इसमें गुरु परंपरा थी, आपने देखा हो कि एक सिद्ध दूसरे सिद्ध के शिष्य हैं या फिर गुरु हैं, तो इनमें गुरु परंपरा विद्यमान थी, तो इन्होंने गुरु की महिमा का पर्याप्त वर्णन किया है। सिद्धों के अनुसार गुरु का स्थान वेद और शास्त्रों से भी ऊंचा है। जैसे कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो पढ़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यह सब यहीं से गुरु की महिमा ली गई है। तो इन्होंने गुरु को वेद और शास्त्रों से भी बहुत ही ऊंचा महत्व दिया है। सरहप्पा ने कहा है, गुरु की कृपा से सहजानंद की प्राप्ति होती है। मतलब आप गुरु के शरणागत हो जाते हैं, तो गुरु जो आपको ज्ञान देता है, उस ज्ञान से ही आपको, उनकी कृपा से ही आपको सहज आनंद परम सुख की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना कोई भी प्राप्त नहीं हो सकता जीवन में। जिसने गुरु उपदेश का अमृत पान नहीं किया है, वह शास्त्रों की मरी भूमि में प्यास से व्याकुल मर जाएगा। जितने भी वेद हैं, जो शास्त्र हैं, यदि कोई व्यक्ति उसे बिना गुरु के पढ़ने बैठेगा तो उसे समझ ही नहीं पाएगा, मतलब बिना प्यास के मर जाएगा। जो ज्ञान की जो प्यास है वह समाप्त नहीं हो पाएगी, भले ही उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। मतलब यदि आप गुरु के शरणागत हैं, गुरु के उपदेश के अमृत का पान किए हैं, तभी आप वेद और शास्त्र को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु की महिमा वेद और शास्त्र से भी ऊपर है। तीसरा, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना। सिद्धों ने पुरानी रूढ़ियों परंपराओं और बाह्य आडंबरों पाखंडों का जमकर विरोध किया है। पहले बता चुका हूं मैं कर्मकांड का, बाह्य आडंबर के इन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया।
ब्राह्मण धर्म के विरोध में ही आए थे। इसीलिए इन्होंने वेदों, पुराणों, शास्त्रों की खुलकर निंदा की है, इन सब की इन्होंने खुलकर निंदा की। वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, ब्राह्मण धर्मों के कर्म कांड पर प्रहार करते हुए सरहापा ने कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है सरहापा ने। देखिए, पहले यह माना जाता था कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, ऐसा बोला जाता था। जो चार वर्ण हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो परमपिता परमेश्वर हैं, ब्रह्मा है, इनके अलग अलग अंगों से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा माना जाता था। तो सरहापा ने किया, ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से तब पैदा हुए थे, ठीक है, जब ब्राह्मण उनके मुख से पैदा हुए थे तब ठीक है, परंतु अब तो वे वैसे ही पैदा होते हैं जैसे अन्य लोग पैदा होते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को कोई विशेष स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, जैसे दूसरे धर्म के लोग, दूसरे संप्रदाय के लोग पैदा होते हैं, वैसे ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। तो अभी ब्राह्मणत्व कहाँ रहा? तो जब आम आदमी जैसा वो भी पैदा हो रहे थे, वो ब्राह्मण करके उनके विशेष महत्व देने की जरूरत क्या है? यदि कहा जाता है कि संस्कारों से ब्राह्मणत्व होता है, तो चांडाल को अच्छे संस्कार देकर ब्राह्मण नहीं बना देते? मतलब उनका कहना है, ये तो जाति प्रथा विद्यमान थी, उस समय भी वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी। यदि कोई संस्कार से कोई ब्राह्मण होता है, तो किसी चांडाल है जो शूद्र है, उसको भी आप अच्छे संस्कार दे दो, वो भी ब्राह्मण बन जाएगा। जैसे उनको जनेऊ पहना दो, तो भी ब्राह्मण बन जाएंगे। तो इस प्रकार वह इन सब चीजों का विरोध करते थे। तात्कालीन जीवन में आशावादी संचार, जनता नरेशों की स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता मतलब वो कुछ भी करते रहते थे जो उनके जी में आता था। पराजय या पतन से त्रस्त होकर निराशावाद के गर्त में गिरी हुई थी, मतलब जनता बहुत ही निराश थी, जो राजा महाराजा थे उनसे बहुत ज्यादा निराश थी, उनके पराजय से, उनके पतन से त्रस्त होकर निराश, बहुत ज्यादा निराश थी। उनके लिए इन सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का कार्य किया, लेकिन सिद्धों ने उनमें आशा और उमंगों का संचार किया, संजीवनी का कार्य किया। जीवन की भयानक वास्तविकता की अग्नि से निकालकर मनुष्य को महासुख के शीतल सरोवर में अवगाहन कराने का महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने किया। निराशा से जो जनता जल रही थी, है ना, उनको निराशा के गहरे गर्त से बाहर निकालकर उन्होंने महासुख के सरोवर में स्नान कराया, उनके मन और तन दोनों को शीतल किया, शांत किया। लेकिन आगे चलकर सिद्धों में स्वेच्छाचार फैल गया, जिसका पूरा असर जनजीवन पर पड़ा। पहले तो राजा ही स्वेच्छाचारी हुआ करते थे, लेकिन बाद में सिद्ध भी स्वेच्छाचारी हो गए, मतलब पंचमकार का प्रयोग करने लगे, है ना, मांस, मदिरा, मैथुन, मीन, मुद्रा, इन सब चीजों का प्रयोग करने लगे, मतलब उनका धीरे धीरे पतन होने लगा। तो आम आदमी के जीवन में भी इनका असर पड़ने लगा, क्योंकि सिद्ध लोग नेतृत्व कर रहे थे, धार्मिक नेता थे। रहस्यानुभूति, रहस्यात्मक अनुभूति, रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहरी के रूप में रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता था। मतलब इनमें रहस्यवादी प्रवृत्ति विद्यमान थी, और इनकी कविताओं को, इनकी पंक्तियों को, जो रहस्यवादी जो व्यक्ति है, जिसको उनकी जो टर्मिनोलॉजी या पारिभाषिक शब्द पता है, वही इसको समझ सकते थे। जिसको रहस्यवाद की पारिभाषिक शब्दावली पता है, वही इनकी रचनाओं को समझ सकता था। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, एक इन्होंने नए वाद को जन्म दिया जिसे इन्होंने नाम दिया महासुखवाद, मतलब निर्माण। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। प्रज्ञा मतलब महिलाएं, और उपाय मतलब पुरुष, मतलब स्त्री और पुरुष के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई, मतलब सहवास का जो सुख है। इस महासुख को क्या समझा जाता था? ईश्वर के तुल्य। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाजा लगाने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था। उपनिषद में यह कहा गया था, यदि ब्रह्मानंद को आपको महसूस करना है, परम आनंद को, ब्रह्मानंद को आपको महसूस करना है, उसका अंदाजा लगाना है, तब आप यह समझ लीजिए कि सहवास का जो सुख होता है, उससे 100 गुना सुख ब्रह्मानंद में प्राप्त होता है। पर वज्रयान में निर्माण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया, लेकिन वज्रयान जी ने कहा जो आपका निर्माण का जो सुख है, सहवास से जो सुख प्राप्त होता है, वैसे ही आपको निर्माण में सुख प्राप्त होता है, ऐसे उन्होंने महासुख की संज्ञा दी। श्रृंगार और शांत रस, सिद्ध कवियों की रचना में श्रृंगार और शांत रस का सुंदर प्रयोग हुआ है। श्रृंगार और शांत रस इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयोग किया है। अलौकिक आनंद की प्राप्ति का वर्णन करते समय ऐसा हुआ है, ब्रह्मा जो महासुख की जब प्राप्ति हो जाती है व्यक्ति को, तब उसका जब उन्हें वर्णन करना था, तब उन्होंने श्रृंगार रस और शांत रस का प्रयोग किया, और जन भाषा का प्रयोग किया, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। सिद्धों की रचनाओं में संस्कृत तथा अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा का प्रयोग मिलता है। सिद्धों की रचनाओं में क्या है, संस्कृत भी पाई जाती है और
अपभ्रंश मिश्रित देशी भाषा भी मिलती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इनकी भाषा को जैन समुदाय की भाषा मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का मानना है कि इनकी जो भाषा है वह आम जनता में प्रचलित भाषा है, जैन भाषा है। जैन भाषा को अपनाने के बावजूद जहां वे अपनी सहज साधना की व्याख्या करते हैं वहां उनकी भाषा क्लिष्ट बन जाती है। भले ही इन्होंने जैन भाषा को तो अपनाया, आम जनता की भाषा को इन्होंने अपनाया जरूर, लेकिन जब साधना परक प्रतीकों की जब बात करते हैं, साधना परक प्रतीकों का जब उल्लेख करते हैं, तब क्या है वहां पर इनकी भाषा क्या बन जाती है? क्लिष्ट बन जाती है, कठिन बन जाती है। सिद्धों की भाषा हरप्रसाद शास्त्री ने संधा भाषा कहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा जाता है। सांझ के समय जिस प्रकार चीजें कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट दिखाई देती है, मतलब जब शाम का समय हो जाता है, जब धुंधलका छा जाता है, तो कुछ चीजें अच्छी दिखाई देती हैं साफ, मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से, और कुछ चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, मतलब स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधलका फैल जाता है शाम के समय। उसी प्रकार जो इनकी भाषा है, इसलिए इनको संधा भाषा कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट अर्थ बोध देती है। मतलब थोड़ा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, यही मत अधिक प्रचलित है। तो हरप्रसाद शास्त्री नाम के जो विद्वान हुए हैं उन्होंने इनकी भाषा को संधा भाषा कहा है, जो कुछ स्पष्ट होती है और कुछ अस्पष्ट होती है। संधा भाषा यह शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। छंद का प्रयोग इन्होंने किया, किन प्रकार के छंदों का प्रयोग किया? रस छंद साहब का प्रयोग करते थे। सिद्धों की अधिकांश रचना चर्या गीतों में हुई है, प्रार्थना जैसी गीतों में हुई है, तथापि इसमें दोहा चौपाई जैसे लोकप्रिय छंद भी प्रयुक्त हुए हैं। इनकी रचनाओं में दोहा चौपाई जैसे छंद प्रयुक्त हुए हैं। सिद्धों के लिए दोहा बहुत ही प्रिय छंद रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दोहा जो है सिद्धों के लिए जो दोहा है, दोहा छंद इनके इनको बहुत ही प्रिय है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो यह उनका बहुत ही प्रिय छंद रहा है। उनकी रचनाओं में कहीं कहीं सोरठा और छप्पे का भी प्रयोग पाया जाता है, मतलब दोहा चौपाई सोरठा छप्पे आदि छंदों का इन्होंने अपने काव्य में प्रयोग किया है। प्रतीकों का प्रयोग, किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया है? महादेवी वर्मा के काव्य में मैंने जो एक एपिसोड बनाया हुआ है महादेवी वर्मा के काव्य में प्रतीकों का प्रयोग, तो उसको आप जाकर जरूर देखें, वहां पर मैंने प्रतीक को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, महादेवी वर्मा के काव्य में प्रयुक्त प्रतीक, तो प्रतीक को बहुत अच्छे से वहां पर समझ पाएंगे। पूरा सिद्ध साहित्य प्रतीकात्मक भाषा शैली का अद्भुत नमूना है। उदाहरणार्थ तंत्र साधना में पंच मकारों मध्य मांस मीन मुद्रा और मैथुन का बड़ा महत्व है, किंतु इसे सीधे न कहकर इन्होंने प्रतीक रूप में क्या बोला है? पंच तत्व। पंच तत्व बोलने से पंच मकार होता है, कुल द्रव्य या कुल तत्व कहा गया है, मतलब जहां कहीं भी उन्होंने पंच तत्व लिखा है, कुल द्रव्य लिखा है, कुल तत्व लिखा है, तो यह प्रतीक के रूप में लिखा है। और इसका मतलब क्या है? मध्य मांस मीन मुद्रा और मैथुन, तो देखिए इन्होंने प्रतीक के रूप में लिख दिया है, पंच तत्व कुल द्रव्य कुल तत्व, ये सारे प्रतीकात्मक शब्द हैं। अब दसवां सबसे महत्वपूर्ण क्या है इनके साहित्य की, इनका साहित्य का महत्व? साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री, मतलब हिंदी का साहित्य का जो प्रामाणिक सामग्री है आदिकाल की, कहाँ से मिलना शुरू होता है? सिद्धों के साहित्य से मिलना चालू होता है, प्रामाणिक, जिसको हम प्रामाणिक कह सकते हैं, जो विद्यमान है, जो वास्तव में विद्यमान है। सिद्ध साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे हमारे साहित्य के आदि रूप, आदि रूप मतलब प्रारंभिक रूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। चारणकालीन साहित्य तो केवल तात्कालीन राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, मतलब जो चारण काल में जो लिखा गया है, वीरगाथा काल में जो उस टाइप के सामंत के और जो राजाओं के जो चारण कवि हुआ करते थे, उन्होंने जो लिखा है वह केवल राजनीतिक जीवन की प्रतिछाया है, राजनीति और युद्धों का उन्होंने ज्यादा वर्णन किया है, समाज के बारे में कोई वर्णन नहीं है, धार्मिक आर्थिक स्थितियों का उसमें वर्णन नहीं है। लेकिन सिद्ध साहित्य शताब्दियों से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक विचारधारा का एक सही दस्तावेज है। लेकिन जो विचारधारा पहले से चली आ रही थी धार्मिक और सांस्कृतिक, उस विचारधारा को हम तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान यदि किसी साहित्य का है तो वह है सिद्ध साहित्य का। अब यह उपसंहार, अब परीक्षा में आपको यह उपसंहार और प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं रहती, सीधा आप कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो किस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं? बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भाषा में बहुत दिनों से चला आ रहा था। अर्थात जो वज्रयान शाखा है उसका ज्यादा प्रचार प्रसार कहाँ हुआ था? पूर्वी में, पूर्वी भारत में। इन बौद्ध तांत्रिकों में वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। वामाचार मतलब वही पंच मकारों का प्रवेश हो गया था, है ना, मांस मदिरा मीन मैथुन मुद्रा,
इन्हें बोलते हैं वामाचार, मतलब जो समाज के नैतिक मापदंडों से हटकर जो काम किए जाते हैं, शराब शबाब को बाप, इनको बोलते हैं वामाचार। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे, मतलब पूर्वी भारत में फैले हुए थे, बिहार से लेकर असम तक इनका प्रचार प्रसार बहुत था, इनका प्रभाव बहुत था सिद्धों का, और इन्होंने सिद्ध कहलाते थे ये। 84 सिद्ध, सिद्धों की संख्या है 84, ये हमेशा याद में रखिए, सिद्धों की संख्या कितनी है 84। और 84 सिद्ध इन्हीं में ऐसे हुए हैं जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है, आज भी जनता इनको बहुत ही श्रद्धा आदर के साथ स्मरण करती है। इन सभी सिद्ध कवियों का साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के लिए गौरव का विषय है, बहुत ही बेहतरीन काव्य इन्होंने लिखा है, और हिंदी का जो सिद्ध साहित्य है वो हमारे सिद्ध काव्य है, सिद्ध साहित्य है, वह हमारे हिंदी साहित्य परंपरा के लिए गौरव का विषय है। इन कवियों ने हिंदी साहित्य में कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की, उनका प्रभाव भक्ति काल तक चढ़ता रहा, मतलब भक्ति काल में जो हम काव्य देखते हैं उस पर सिद्ध साहित्य का अत्यंत ही गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। इन कवियों ने हिंदी रूढ़ियों के विरोध का अखंडपन जो कबीर आदि की कविता में मिलता है, इन सिद्ध कवियों की देन है ना। कबीरदास जी भी यह रूढ़ियों का बहुत प्रबल विरोध करते थे, बहुत ही अखंड कवि थे, बहुत ही विद्रोही कवि थे, तो यह सभी उन्हें कहाँ से मिला है, सिद्धों से मिला है, इन सिद्ध कवियों की देन है। योग साधना के क्षेत्र में भी इनका प्रभाव पहुंचा, योग और साधना के क्षेत्र में भी सिद्धों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पहुंचा। सामाजिक जीवन के जो चित्र इन्होंने उभारे वे भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक चेतना की पीठिका बन गए। इन्होंने सामाजिक जीवन का भी, मतलब तत्कालीन जो परिस्थितियां थी समाज में, उनका भी अपने काव्य में, अपने साहित्य में बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया है, और ये भक्तिकालीन साहित्य के लिए ये आधारभूत पाठ्य सामग्री के रूप में उन्हें उपलब्ध हुआ। भक्ति काल के जो कवि हुए उनको यह जो पाठ्य सामग्री है सिद्ध साहित्य की, वह उनके लिए पीठिका बन गई, मतलब उनके लिए आधारभूत सामग्री बन गई, उनका बैकग्राउंड बन गया, उनका नींव बन गई उनकी। कृष्ण भक्ति के मूल में जो प्रवृत्ति मार्ग है उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमें इनके साहित्य में मिलते हैं, है ना। भगवान कृष्ण के प्रति हमने जो सगुण के रूप में जब उनकी आराधना करते हैं तो उसकी प्रेरणा के सूत्र भी हमको कहाँ मिलते हैं, सिद्ध साहित्य में मिलते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हिंदी साहित्य के आदिकाल का सिद्ध साहित्य क्या है, किस प्रकार की रचनाएं उसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से प्रमुख सिद्ध कवि हुए हैं, उनकी कौन सी रचनाएं हैं, और सिद्ध साहित्य की क्या विशेषता है। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।